शिवन राइडर जो कि अभी भैया नहीं है, जोकर भाई हो गया है। बहुत बड़ा कांड भी हो चुका था वहाँ पे, रात हो गया था। हमारे यहाँ पे तो आप लोगों को पता है रोड पे गाय वगैरह रहता है। मैं अगर बिग बॉस में होता तो कब का निकल जाते यार, मैं नहीं सह सकता था। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी को मेरी आज के एक न्यू वीडियो में। सो गाइस देख सकते हो आज का वीडियो कुछ इस टाइप की जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत दिनों के बाद तुम्हारे भाई ब्लॉग ला रही है। तो गाइस बोलते हुए भी बहुत खराब लग रही है क्योंकि हर बार आप लोगों के साथ प्रॉमिस करता हूँ डेली ब्लॉग करूंगा लेकिन नहीं हो पा रही है गाइस। तो मैंने सोचा है वन वीक में एक वीडियो तो लाऊंगा और दो कोशिश करूंगा लाने का। तो मेरे चैनल को जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जाओ और सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही मज़ा आएगा मेरे ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाली है, तो आप लोग एंड तक देखना और बहुत मज़ा करने वाले है। तो चलो गाइज मोटो ब्लॉग सेटअप पर आप लोग के साथ मिलता हूँ। तो गाइज तो हम लोग आ चुके हैं अभी है मोटो ब्लॉग सेटअप पर। तो चलो अभी बैरिज की तरफ चलते हैं और वहाँ पे कुछ रील शूट करने हैं हम लोगों को। तो चलो देखते हैं क्या रील बनती है। और जो लोग अभी भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया, वहाँ पे जाओ और जाके फॉलो कर दो क्योंकि वहाँ पे ख़तरनाक रील्स आने वाली है। और अभी हम लोग जाने वाले हैं बैरिज, तो आप लोगों को बताया। सो गाइज तो कल मैं एक फुटबॉल टूर्नामेंट मैच देखने गया था, तो ब्लॉग तो किया था लेकिन गोप्रो के कुछ प्रॉब्लम के लिए शूट नहीं हो पाया। तो क्या ही बोलूं, बहुत ही बढ़िया एक्शन मिल रही थी क्योंकि वहां पे हम लोग G900 लेके गया था आसिफ का। आप लोगों को पता है मेरे दोस्त का आसिफ का G900 है, तो वो लेके गया था हम लोग। इसपुर बोल के एक गाँव है तो उस गांव पे हम लोग ले गए थे क्योंकि वहां पे फिर फुटबॉल टूर्नामेंट मैच था। तो हम लोग वहां पे गया था और इतना खतरनाक रिएक्शन मिला भाई, क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन मिला। लेकिन मेरा गोप्रो के कुछ प्रॉब्लम के लिए शूट नहीं कर पाया, लेकिन मैं फ़ोन पे कुछ शूट किया, वो आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग देखना। बहुत अब मैच छोड़ के सब लोग G900 मतलब सुपर बाइक को ही देख रहा था, तो इसीलिए हम लोगों को बाइक किसी घर में छुपाना पड़ा। तो हम लोग वहाँ से जाके एक घर में हम लोगों को बाइक छुपा के आना पड़ा। आप लोग मेरा फ़ोन का कुछ रिकॉर्डिंग किया, वही आप लोग चेक करो। सो गाइस तो आप लोगों ने देखा इतना खतरनाक रिएक्शन मिल रही थी। यार गोप्रो का एक सबका प्रॉब्लम है या मेरा ही प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लॉग बहुत अच्छा बनता, मैं यही बोलूँ। किस्मत इतना घटिया है मेरा, पर यार ऐसा पार्ट मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, मतलब ब्लॉग को पूरा कैंसिल ही करना पड़ा। और एक बहुत बड़ा कांड भी हो चुका था वहाँ पे, आते टाइम रात हो गया था। हमारे यहाँ पे तो आप लोगों को पता है रोड पे गाय वगैरह बैठे रहता है। रात को जब हम लोग आ रहे थे, सुपर बाइक का आप लोगों को कैसा साउंड है आप लोगों को तो पता ही है यार, बहुत लाउड साउंड है। और जैसे ही थॉटल दिया, गाय वगैरह एकदम उठ के आके मेरा मतलब समझ रहे हो। बाइक पे टकरा गया और हेड का जो भाइजर है थोड़ा सा टूट गया है, तो दिमाग पूरा खराब हो गया।
गया यार, मूड पूरा खराब हो गया। यहाँ पे सर्विसिंग भी नहीं होता है, आप लोगों को पता है कलकत्ता जाना पड़ता है। कावासाकी का सर्विसिंग सेंटर वहाँ पर ही है और यहाँ पे तो कोई सुपर बाइक का काम ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई पार्ट्स वगैरह भी नहीं मिलेगा। और आप लोग वो वाला क्लिप भी चेक करो, घर पे आपके जब हम लोग देख रहे थे वहाँ पे थोड़ा क्रैश हो गया, तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया, तो वो वाला आप लोग वीडियो चेक करो। सो गाइस, तो देख सकते हो यहाँ पे हम लोग रील शूट करने आए थे और यहाँ पे काम चल रही है, तो हम लोग यहाँ पे रील शूट नहीं कर पाएंगे। तो का किस्मत ही खराब है यार। अरे यहाँ पे देख सकते हो सूरज मामा, तो और उस साइड चलते हैं, देखते हैं लाइट मिलेगा तो रील शूट करेंगे, नहीं तो अदरवाइज यहाँ से हम लोगों को घूम के जाना पड़ेगा फिर से घर। तो चलो गाइस अभी चलते। तो गाइस अभी हम लोग इस जंगल के साइड आ चुके हैं, तो इतना खास लाइट नहीं है और आप लोगों को तो पता है आईफोन पे ज़्यादा लाइट रहता है तो वीडियो शूट अच्छे से होते हैं, और यहाँ पे उतना खास लाइट नहीं है। भी हम लोग घूम के घर जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे रील शूट आज नहीं होगा, दूसरे दिन कभी आएंगे रील शूट करने। यहाँ से निकल जाते हैं यार, कैसा रोड है यार। तो गाइज आप लोगों को बाबू भैया के बारे में भी कुछ बतानी है, तो आप लोग तो सभी जानते हो बाबू भैया को, UK 07 राइडर, जो कि अभी बाबू भैया नहीं है, जोकर भाई हो गया है, क्योंकि वो तो अभी बिग बॉस पे गया है। आप लोगों को पता है बॉस पे जाने के बाद वो अभी जोकर भैया बन गया है। UK 07 राइडर को कितना ज़्यादा ट्रोल कर रही है लोग, कितना सारे मेमे बन चुका है। मतलब मैं जब भी इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ सिर्फ UK 07 राइडर की अब सब मेमे बन चुका है। बहुत सारे लोग उसको ट्रोल किया, जत प्रभा जत भी उसको ट्रोल किया है, बहुत ख़राब लग रही है क्योंकि हमारे ही कैटेगरी में पड़ती है UK 07 राइडर, मतलब मोटो ब्लॉग बनाती है, और उसका मतलब ऐसे बेइज्जती हो रही है। मैं अगर बिग बॉस में होता तो कब का निकल जाते यार, मैं नहीं सह सकता था। बिग बॉस पे गया है और वहाँ पे एक बात बोला है, बिग बॉस पे जितना अर्न होगा सब मैं गरीब लोगों को डोनेट कर दूंगा, ये बोला है। और उसके साथ ही ऐसा ही हो रही है, खराब लग रही है बहुत, कर सकते हैं लोग, समझता नहीं है यार। तो गाइस बाकी अभी वीडियो को करता हूँ यहाँ पर ही एंड। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होंगे, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर देना, और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते ही ऐसे ही पहले से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय।